दोस्तों, बाबर आजम जिस गेंद पर अफगानिस्तान के खिलाफ आउट हुई थी उस पे क्या आउट थी या नहीं? कल के मैच का बड़ा सवाल, अफगानी अंपायर ने बीमाने की तमाम हदें पार कर दी। दोस्तों, जब कल पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जब अफगानी बॉलर आउट होने की अपील करते तो अंपायर बगैर सोचे समझे उंगली हवा में उठाती और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट देते। कल बाबर आजम भी अंपायर की गलत फैसले का शिकार हुए। वो जिस गेंद पर आउट हुई थी वो आउट नहीं थी। लोगों को इस वीडियो के हाईलाइट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक दे और हमारा चैनल विजय स्पोर्ट HD को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो सामने अफगानी बॉलर मुजीब रहमान बाबर आजम ने गेंद खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बजाय सीधी पैड पर जाकर लगी, जिसके बाद मुजीब रहमान ने आउट की अपील की तो अंपायर ने सीधी उंगली हवा में उठाई और बाबर आजम को आउट दे दिया। बाबर आजम को लगा शायद वो आउट नहीं है, इसलिए बाबर आजम ने ये फैसला तड़ अंपायर से पूछ लिया। तड़ अंपायर ने रिव्यू में चेक किया और TV पे देखा तो गेंद काफी ऊंची थी, लेकिन फिर भी अफगानी अंपायर ने बीमारी का हद पार करते हुए बाबर आजम को आउट दे दिया, जिसके बाद बाबर आजम इंतहाई गुस्से और अफसोसदा दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, जिस गेंद पर सलमान अली आगा और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आउट दिया वो भी नॉट आउट थे, लेकिन अंपायर ने बीमारी का हद पार करते हुए दोनों को आउट दे दिया था।